कि ये बड़ी मशहूर मिसाल है। मैंने पिछले दिनों एक इंडियन थे, उनका नाम मेरे जहन में नहीं आ रहा, वेरी नाइस गाय, बड़ी हम्बल डिस्कशन हुई है उसके साथ, और उस पर ये डिस्कशन हो रही थी कि भाई क्या सबूत है कि तुम्हारा बाप है, इसका क्या सबूत है। अगर मैं सर मेरे आपको, फेशियल फीचर उनसे मिलते हैं, हाँ लेकिन ये सबूत नहीं है ना, क्यों नहीं है? मेरे फेशियल बिल्कुल। फीचर सर किसी और के बाप से थोड़े ना मिलेंगे। एक सेकंड, वो तो क्या मिल नहीं जाते बेशुमार? आप अगर आपको वहां पे कोई यूरोपियन लोग मिलेंगे, पॉसिबल होता है कि आपको लगता है कि आज की शक्ल तो मेरे फलाने कजन से मिल रही है या फलाने, सर लेकिन बहुत लेस लेस प्रोबेबिलिटी होता है, है ना, लेस होता है, प्रोबेबिलिटी लेकिन है। सर लेकिन ये सबूत के तौर पर आप पेश नहीं कर सकते ना, ये आप रीजन। डीएनए टेस्ट करवा सकते हैं। अब यहीं पे आप रुक जाएं, जो आपने मिसाल दी ना अभी कि ये कहाँ लिखा है, किस वक्त लिखा है, कहाँ से लिखा है, ये ऐसी ही चीज है कि जो आज मैं आपको रीजन दे रहा हूं, लेकिन अगर आपको जी सबूत चाहिए तो वो मौजूद है। जिस तरह आपको जाकर डीएनए टेस्ट करवाना पड़ेगा, मुझे जाकर वो किताबें खोल कर देखना पड़ेगा कि ये कब कहाँ कैसे लिखा। तो मैं सर ऐसे बात नहीं कर सकता कि अभी आप ही ने क्लेम कर दिया कि फिर कि अभी आप ही ने क्लेम किया ना कि पहले की सुन्नत थी लेकिन उसके बाद वो चार वाइफ्स के कमांड उतर गई। जी मैं आपको एक फार्मूला बताता हूँ, बताइए। इंशाल्लाह आने वाले वक्त में जब भी आपको कोई ऐसी चीज आएगी ना तो वो क्लियर हो जाएगी। देखें, सबसे पहले जो हुज्जत जिसे कहते हैं ना, कि मिसाल के तौर पर जो टॉप प्रायोरिटीज हैं वो कुरान और जी हदीस ठीक है, कुरान ठीक और हदीस। ठीक कुरान भी अल्लाह ताला की तरफ से है, और हदीस जो है, जो सही हदीसें हैं, वो भी बेसिकली अल्लाह ताला की तरफ से ही होती हैं। लेकिन लिखी इंसानों द्वारा गई हैं। इनमें मेन फर्क ये होता है कि कुरान मजीद के वर्ड्स एग्जैक्ट वही होते हैं कि जो अल्लाह ताला की तरफ से आए होते हैं। हदीस के जो वर्ड्स होते हैं वो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने अल्फाज इस्तेमाल करके लोगों तक पहुंचाते हैं, ठीक ठीक है। कुरान मजीद में कोई डिटेल ऐसी नहीं है कि इस कुरान मजीद में ये लफ्ज यहाँ लिखना है कि नहीं लिखना, हदीस में ये लफ्ज आता है। क्यों होता क्या है कि, अब मुझे 5 मिनट दीजिएगा प्लीज, फिर प्लीज हम खत्म करेंगे, वो बंदा वेट कर रहा ओके है। ओके ठीक देखिए, हाँ हदीस में क्या है कि अगर हुजूर पाक सल्लम ने एक हदीस बयान की, उस जी वक्त मिसाल के तौर पर 10 सहाबा बैठे हुए थे, उन सब ने वो हदीस सुनी, उन सब ने आगे जाकर अपने अपने अल्फाजों से हदीसें सुनाई, ठीक है। ठीक ये दो चेन हो गई, फिर तीसरी चेन बनती है, फिर चौथी चेन बनती है, इस तरह 14 14 चेन बन जाती हैं, ठीक ठीक है। अब हो सकता है कि जुबान के मुंह से एक लफ्ज निकलता है, एक बंदा उसको सुनता है 70, एक दफा 70, एक बंदा उसको आगे सुनाते सुनाते 700 बन जाता है, आप पॉइंट समझे। इसी वजह से फिर क्या होता है कि फिर जैसे मिसाल के तौर पे ये 70 और 700 की मिसाल है, जब कोई शख्स नमाज पढ़ रहा हो तो जी आगे से कहते हैं गुजरना नहीं चाहिए, और ये हुक्म है अच्छा कि चाहे 70 साल खड़ा होना पड़े या 700 साल खड़ा होना पड़े, आप वहां पे खड़े रहो लेकिन आप गुजरो ना। ये ठीक एक डराने के लिए कहा गया है कि भाई नहीं गुजरना अच्छी बात नहीं है, यानी कि हुक्म आ गया ना। अब ठीक कईयों ने उसको 70 लिखा है, कईयों ने उसको 700 लिखा है, ये मैं बात कर रहा हूँ हदीस की, ठीक ठीक है। इसी वजह से भी जब एक हुक्म हमने देखना है, सबसे पहले हम कुरान मजीद में देखते हैं, ठीक कुरान मजीद में हमें नहीं मिलता, उसके बाद फिर ठीक आगे चीज आती है, हम हदीस में देखते हैं। सुन्नत, जब हम यूज करते हैं ना वर्ड सुन्नत का, तो सुन्नत के वाकयात हदीस में लिखे हुए हैं सारे के सारे, ठीक है। अब थोड़ा सा लंबी बात हो जाएगी, चले हम, अगर आपकी हो ना, अगर आपकी ख्वाहिश हो तो हम असूल हदीस पर बात कर लेंगे नेक्स्ट टाइम। हदीस में अगर हमें कोई चीज नहीं मिलती, फिर हम जी एक स्टेप आगे जाते हैं, एक स्टेप फिर आगे जाते हैं कि उस वक्त के उलमाए कराम की उस चीज पर क्या राय है, अच्छा हम उस इमाम की बात कर सकते हैं। चौथे नंबर पर चीज आती है, मैं कुछ स्किप कर गया हूं, लेकिन चौथे नंबर पर चीज ये आती है कि आजकल एक कोई नई टेक्नोलॉजी आ जाती है, और नई टेक्नोलॉजी आ जाती है जिसका पूरी इस्लाम की हिस्ट्री में कोई रिकॉर्ड नहीं होता, उस जी वक्त इज्तिहाद किया जाता है। इज्तिहाद वो उलमाए कराम होते हैं जो, जैसे मिसाल के तौर पर जब ये टीवी नया नया आया था तो इसके जी बारे में कहा जाता था कि ये हराम है, इसलिए हराम है जी क्योंकि इसमें शक्लें नजर आती हैं, ये बुत परस्ती में आ जाता है, तस्वीर लगाना हराम है, इस तरह की चीजें आ जाती हैं। जी लेकिन भी वक्त के साथ साथ जो है वो उलमाए कराम जो होते हैं वो इस चीज पर इज्तिहाद करते हैं कि हाँ इसका इस्तेमाल ठीक है, इसका इस्तेमाल ठीक नहीं है। अच्छा जब आप ये बात करते हैं ना कि मिसाल के तौर पर के जिस तरह आपने हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की एज के बारे में बात की है, तो हमने बेसिकली देखना है कि दीन हमें इस बारे में क्या कहता है। एक चीज है वाकयात, उस सर वाकयात दीन से तो यही बोल रहा है ना कि यू कैन मैरी क्योंकि मोहम्मद साहब ने किया है एज फ्रॉम सुन्नत। हाँ, लेकिन वही वाली बात है कि सुन्नत था अमल, लेकिन जब हुक्म आ जाता है ना
कि भाई सर अभी ये तो आपको भी नहीं क्लियर है ना सर कि पहले हुक्म आया कि पहले सुन्नत आई। एक सेकेंड, हाँ लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरे पास इस वक्त तो वो सोर्सेस नहीं है जिस तरह आपके पास अभी डीएनए टेस्ट मौजूद नहीं है, लेकिन आपको ये पता सर है कि मुझे आप शक ही नहीं है ना, जी मुझे मुझे शक ही नहीं है अपने बाप पे, क्योंकि मैं रोज अपनी नहीं, शक्ल देखूं, मेरे बाप की शक्ल देखूं, दोनों सेम ही दिखती है, हाँ अपने हाँ भाई की देखूं तो वो भी सेम है। मैं समझ गया हूँ, लेकिन आप एक जनरल बात करें ना कि मिसाल के तौर पे शक्ल तो किसी की अपने दादे से ही मिल सकती है, चाचे से मिल सकती है, मामू से मिल सकती सर है। हाँ तो एटलीस्ट सर अब चाचे से भी शक्ल मिल गई, हाँ मतलब इसी फैमिली में से है ना, एटलीस्ट इसका बाप कहीं घर के हाँ बाहर का नहीं लेकिन है। आप फिर साबित तो ना कर सके कि बाप ही बाप है। सर अगर अब इस बात पे आएगा कि साबित ही करना है तब तो डीएनए ही कराएंगे, लेकिन हाँ मैं पहले वही कह मुझे रहा हूँ ना पूछना कि कौन आएगा पहली इस वक्त बात। आपके पास डीएनए टेस्ट नहीं है, हैं जी इस वक्त आपके पास डीएनए टेस्ट रिपोर्ट नहीं है, अच्छा ठीक इस वक्त नहीं है ना, लेकिन आप कह रहे हैं कि हाँ मैं करवा लूंगा और फिर मैं साबित कर दूंगा। सर, कुछ मुझे और तो मैं चीजें भी जो है ये जैसे कह रहा हूँ, हाँ कुछ होता भला क्या हेरिडिटरीज है होती हैं, जी, कुछ होता हेरिडिटरीज होती हैं मैं बताता हूँ, होता भला क्या है। देखें अगर मैं बैठा हूं ना, मैं किसी आलिम को सुन रहा हूँ, मैं कोई दीन जी का नॉलेज हासिल कर रहा हूँ, ठीक है, जी तो बेसिकली मैं जब दीन का नॉलेज हासिल कर रहा हूँ अपने नॉलेज के लिए, ठीक है, जी तो मैं एक चीज पढ़ता हूँ, नीचे उसका रेफरेंस देखता हूँ और मैं फिर आगे चला जाता हूँ, तो मैं मुतमिन हो गया। लेकिन जो ये सोर्सेज होते हैं ना, ये वाकई तब याद करने पड़ते हैं कि जब मिसाल के तौर पर अगर हमारा ये टॉपिक होता कि भाई हजरत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा की एज के बारे में हमने बात करनी है, तो फिर मैं उसकी तैयारी करके जो सोर्सेज हैं वो आपके सामने लेकर आता। चलिए इस बार हाँ मैं आपको यहाँ मुझे भी नहीं बैठकर था एक चीज की गारंटी दे सकता हूँ कि जी मैंने जितनी भी बातें, जितने भी वाकयात या कहीं है ना, वो जी सारी की सारी किताबों में मौजूद है, उसके अच्छा रेफरेंसेस मौजूद हैं। अगर वो रेफरेंसेस इस वक्त मैं आपको बिठा कर सामने नहीं दे सकता, इट डजंट मीन कि वो रेफरेंस मौजूद नहीं है, हम इस पर बात कर लेंगे, हम इस पर एक टॉपिक सेट कर लेंगे, लेकिन अगर ये आप जिस तरह आप कह रहे हैं कि मैं जज कर रहा हूं कि मुझे खुद नहीं पता कि वो पहले आया था कि बाद में आया था, उसी तरह आप भी तो ये जज ही कर रहे हैं ना कि वो पहले आया होगा, यानी कि अभी तो आप मैं सर मैं जज नहीं कर रहा, मैं कंफ्यूज हूं, मुझे नहीं पता, आप बताओ, तभी तो तुम आपके घर आए कंफ्यूज हैं। होना कोई बुरी बात नहीं है। मैं किसी चीज पर कंफ्यूज होता हूँ तो फिर मैं भी उन चीजों के सवालों के जवाब ढूंढता हूँ, और यहाँ पर तो आप लकी हैं कि मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आपकी कंफ्यूजन का कोई हल नहीं है, मैं तो आपको ये सोल्यूशन दे रहा हूँ कि बजाय इसके कि क्योंकि अभी आपने तकरीबन को 12 किस्म के हमने टॉपिक भी डिस्कशन की है, आपने कुरान मजीद के बारे में स्टार्ट की बात की, वो मेरे पास रेफरेंस मौजूद था, मैंने आपको कहा जाके पहली सूरत पढ़ें ये लिखा हुआ है, दूसरी सूरत पढ़ें ये लिखा हुआ है, वो सोर्सेस रेफरेंस मुझे याद थे। आप अगर ये जो कंपाइलेशन की बातें थी, ये सारे वाकयात जो हैं हदीसों में भरे पड़े हैं, जो शख्स भी दीन का थोड़ा बहुत नॉलेज रखता है उसको ये पता है। लेकिन चूंकि आज हमारी डिबेट नहीं थी, जिस तरह आप कॉपी पेंसिल पे चीजें लिख रहे हैं मैं नहीं लिख रहा, हम एक डिस्कशन कर रहे हैं, अगर मुझे पता होता कि आज इस टॉपिक पे बात होनी है और आपको कन्विंस करने के लिए रेफरेंस की जरूरत है, तो मैं वो कहता ठीक है जाओ ये रेफरेंस पढ़ो, ये किताब है, ये बुक है, ये रेफरेंस है, तो फिर आप उस चीज पर चले जाते। लेकिन आज मैं फाइनल बात करता हूँ, जी वेरी नाइस कि आपसे मेरी बात हुई, आपने अभी तक चले आपने इतने सवाल पूछे हैं, आप मुझे बताएं कि आप अपने उस क्लेम पर स्टैंड करते हैं कि आप कुरान मजीद की हर लाइन को गलत साबित कर सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल एब्सोल्युटली लेकिन आप कैसे साबित कर सकते हैं जबकि आपने कुरान पढ़ा ही नहीं है पूरा अभी तो। सर, मैं इसका यही जवाब है सर कि हैरी पॉटर की किताब को रॉन्ग प्रूफ करने में कुछ ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, यू नो। नहीं, हैरी पॉटर की किताब वाले दावा नहीं कर रहे ये वाला, लेकिन आप ये दावा कर रहे हैं ना, हाँ ये दावा किया ना कि मैं कुरान मजीद की हर लाइन को गलत साबित कर सकता हूँ। सर आप लाइन पढ़िए, मैं करता हूँ, आप एक आप कोई सी भी लाइन पढ़ दीजिए। हाँ ये पहली लाइन ही है ना कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफें अल्लाह ताला के लिए हैं। तो सर अब इसमें कोई तारीफ कर रहा है तो मैं क्या करूँ, अब कोई अभी नहीं आप आप इसको कोई ऐसी आयत पढ़िए जिसमें कोई ऐसी आयत पढ़िए जिसमें कुछ ऐसा बोला जा रहा है कि अल्लाह ने ये बनाया, अल्लाह ने वो बनाया, तो फिर मैं उसको इसको मैं क्लेम करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल सारे मुसलमान लोग बोलते हैं कि बिग बैंग अल्लाह ताला ने सारी कायनात का मालिक अल्लाह ताला है, अल्लाह ताला ने सारी कायनात बनाई है। इसका मैं मान सकता हूं इस बात को, लेकिन वो फिर एक लेकिन ये सेकंड अल्लाह ताला वो अल्लाह ताला नहीं है, लेकिन ये देखें, अल्लाह वो अल्लाह नहीं है जिसने हदीसें उतारी हैं, जिसने जिसने जिब्रील को भेजा है। अगर ये अल्लाह है तब तब तो फिर मैं इसको बिल्कुल सरे से खारिज करता हूँ। मैं आपको बताता हूँ, देखें बात यह है कि एक बिलीव आपका है एक बिलीव मेरा है, ठीक है ना, जी होगा क्या कि आज नहीं तो कल हमने मर जाना है, फिर सच सबके सामने साबित हो जाएगा,
या तो जो आप बिलीव करते हैं वो सच होगा, या जो मैं बिलीव करता हूँ वो सच होगा, ऐसा ही है, या कोई तीसरा सच हो सकता है। जो मैं बिलीव करता हूँ वो मैं देख सकता हूँ, मरने के बाद क्या होगा पता है मुझे। क्या होगा सर 2 घंटे बाद मेरा मेरी सर मरने के आधे घंटे बाद मेरी आंखें मर जाएंगी, 2 घंटे बाद मेरा दिमाग मर जाएगा, 6 दिन बाद मेरी बॉडी रॉट होके, अगर मैं दफन हुआ तो मेरी बॉडी रॉट होके मैन्योर बन जाएगी, अगर मैं हिंदू अगर मुझे जलाया गया तो मैं राख बन जाऊंगा, हाइड्रोजन कार्बन का एशेस बन जाऊंगा, और क्या होगा? फिर क्या होगा? तो फिर कुछ नहीं होगा, फिर अस्तित्व खत्म, नथिंग आफ्टर दैट। यानी कि कोई लाइफ नहीं होगी, खत्म होगा ना। मैं वही बता रहा हूँ ना कि या तो आपका बिलीफ सच है या मेरा बिलीफ सच है, यानी कि सर सच। अभी जो मैंने बोला ये तो अभी जो मैंने बोला इसको मैं फैक्चुअली इसको मैं मैथमेटिकली एक्सपेरिमेंटली प्रूफ कर सकता हूँ। अच्छा चलिए, इसी ये मजे की बात की है आपने, अब इसी क्लेम पर हम बात करेंगे नेक्स्ट टाइम, ठीक जी है। ठीक हाँ, ठीक है मैं जो बात आखिर में करना चाह रहा था ना, वो ये करना चाह रहा था कि देखें, एक आपका बिलीव है, एक मेरा बिलीव है, ठीक है। जी मुसलमान होने के नाते मैं कोई भी ऐसी बात नहीं कर सकता, यानी कि मुझे नहीं करनी चाहिए कि जिससे कि जिससे का आपने कहा ना कंफ्यूज है, आपने जितने भी क्वेश्चन किए, ये क्वेश्चन को ऐसे नहीं है कि जो मैंने फर्स्ट टाइम सुने हैं, ठीक है। जी हम आए दिन चीज़ों पर डिस्कस करते हैं, यहाँ यूके में भी हमारी काफ़ी डिस्कशंस होती हैं। अभी सिर्फ जी मैं स्विच हुआ हूँ इस चीज़ पर, क्योंकि बेशुमार लोग हैं जो उर्दू हिंदी समझते हैं, और मैंने वो देखा एक है। ही लैंग्वेज है, मेरे मेरे यहाँ से 100 किलोमीटर दूरी बनी है उर्दू ब्रो। क्या उर्दू जो लैंग्वेज है मेरे यहाँ से मेरे मेरे शहर से 100 किलोमीटर दूरी बनी है। हाँ, मेरा बात करने का मकसद ये है कि बेशुमार लोग हैं जो उर्दू और हिंदी समझते हैं, जी उनके पास वो मवाद, वो कंटेंट्स नहीं है कि जो कि पता चले कि जिससे कि इन सवालों के जवाब मिले। क्योंकि ये टॉपिक जो है, अब मिसाल के तौर पे पाकिस्तान की अगर हम बात करते हैं ना, तो पाकिस्तान में ज्यादातर टॉपिक्स इन चीज़ों पर होते हैं, सुन्नी शिया पर होते हैं, या जैसे कि मैंने कहा कि नमाज पढ़ने के तरीके और उन चीज़ों पर। अभी वहां पर ये टॉपिक इतना आम नहीं हुआ जितना कि ये इंटरनेट की दुनिया में हो गया। मैं वैसे इंटरनेट की डिस्कशन, ये कमेंट्स, ये मैसेजेस, इसको पसंद नहीं करता। मैं कहता हूँ बात ठीक हो तो फेस टू फेस हो, ताकि उससे टोन का और चीजों का अंदाजा हो जाता है। देखिए, अगर तो मरने के बाद जो आपने कहा वो सच है, तो वो तो आप, सच है ब्रो। सर अगर मेरे 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 पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है ना, लेकिन मैं गेस कर रहा हूँ ना, हम आप चीजों पहले को कब्र खोद खोद के देख लीजिए, एब्सोल्यूट ये ट्रुथ, होगा हम एब्सोल्यूट ट्रुथ ले आते हैं कि या तो सच है या तो नहीं है, सर। इतना मैं जो क्लियर। बोला वो तो एब्सोल्यूट ट्रूथ है क्योंकि ये रिकॉर्डेड है, आप ये मुताबिक, इसको आप डिनाई नहीं कर सकते सर, मतलब इसको डिनाई करना सर वही हुआ कि 2 + 2 = 4 अपना, नहीं है। ठीक हाँ, हम इस चीज पे एक दोबारा टॉपिक रख लेंगे, लेकिन मैं सिर्फ ये एक चीज पे बात करके फिर खत्म करना चाह रहा हूँ। देखें, ओके ठीक या तो आपकी बात सच है या आपकी बात सच नहीं है, ये तो मानते हैं ना। पूरी दुनिया के अगर क्वेश्चन रखा जाए, पूरी दुनिया के लोगों के सामने, तो इन दो पॉसिबिलिटीज के अलावा तीसरी पॉसिबिलिटी नहीं होगी कि या तो लाइफ आफ्टर डेथ है या लाइफ आफ्टर डेथ नहीं है, ठीक है। अगर लाइफ आफ्टर डेथ नहीं है तो आप तो मर गए और खत्म हो गई बात, तो फिर अगर करेक्ट तो सच है तो फिर मैं भी खत्म हो गया और खत्म हो गई बात, करेक्ट हम दोनों सेफ सेफ रहे ना, कोई जजमेंट नहीं, हाँ पनिशमेंट नहीं, कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है। करेक्ट लेकिन दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि अगर आप मरे और फिर आंख खुल गई, तो फिर इट मींस के अगर प्रोबेबिलिटी देखा जाए तो आप हाई रिस्क पर हैं फिर, सर, क्योंकि अगर मेरी नजर प्रोबेबिलिटी में, देखी मेरी सर। नजर में ये विन विन सिचुएशन है। लेकिन ओके आप, बहुत बहुत सही बात बोली आपने, विन विन सिचुएशन है मेरी नजर में सर। आपकी जो बात है उसकी प्रोबेबिलिटी 0 है क्योंकि ऐसा कोई कोई ऐसा सबूत या कोई ऐसा फैक्ट हमारे पास है नहीं, लेकिन जो मैंने बोला उसके फैक्ट उसको मैं बताया कि न्यूमेरिकली उसको फिजिकली मैथमेटिकली आई कैन प्रूव इट। अच्छा, मैंने ना, हमारा जो ये जो सिस्टम है ना खुदा के होने का, और ये एक बिलीफ सिस्टम है, ठीक है। लेकिन मैं आपको अभी क्लेम करता हूँ, अब क्लेम करता हूँ, या ये कह ले दावा इस तरह, इस तरीके से करता हूँ कि मैं ये समझता हूँ कि इस्लाम इज द बेस्ट गाइडेंस फॉर मैनकाइंड। सर वो तो अब हिंदू हिंदू भी यही बोलेगा, क्रिश्चियन भी यही बोलेगा, जुडाइज्म भी यही बोलेगा। देखिए, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने आपको बताया ना, मैं आपको यहाँ खुदा का सबूत नहीं दे सकता, मैं आपको ये बता सकता हूँ कि मैं क्यों बिलीव करता हूँ खुदा पे, ये ठीक है बता। ठीक तो उसी जी तरह मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरी नजर में जितनी भी गाइडेंस मैंने आज तक जितनी भी देखी है, यानी जी मैं एक एक, चले हम होमवर्क कर लेते हैं, आप मुझे जी एक टॉपिक दे दें, हम नेक्स्ट टाइम बात कर लेंगे। आप मेरे सामने एक गाइडेंस ले आए, वे ऑफ लाइफ बेटर देन इस्लाम, हिंदुइज्म और आप कह दें कि ये जो, ये हिंदुइज्म, क्रिश्चियनिटी, जूदिज्म, बुद्धिज्म, एथियज्म, जितनी भी चीजें हैं, इनका जो वे ऑफ लाइफ है
वो अगर तुम अमल करो तो तुम ज्यादा सुप्रीम लाइफ गुजार सकते हो, ज्यादा सेटिस्फैक्ट्री लाइफ गुजार सकते हो। बिल्कुल हाँ, तो हिंदुइज्म कर लो, ट्राई कर लो। क्या क्या है मिसाल के तौर पे हिंदुइज्म का, तो आपने बताया कि कोई ऐसी वो कमांडमेंट भी कोई नहीं है, मुझे हाँ तो वही आता है जहन में, तो मेरा तो हिंदुइज्म जवाब ही कोई नहीं देगा। में कुछ भी करो ब्रो, हिंदुइज्म का एक ही मतलब है, ये को सीधा गाइडेंस से कुछ सीधा भी करो, है जी। ये को गाइडेंस से कुछ भी कर लो, ये क्या है। अरे सर देखिए सर, हम जो इंडियंस है ना, अब हमारे इंटरनल मैं आपको 2 मिनट क्वालिटी ठीक देता हूँ, आप अपने लास्ट वर्ड्स जो है कन्वर्सेशन के है बहुत ठीक दिन है। में जब ये बोल जी दूंगी। मेरे लास्ट वर्ड्स हैं कि हम जो इंडियंस है ना सर, ये हम बिलीवर्स नहीं है, हम सीकर्स हैं ठीक है। अगर आप हमें कुछ अच्छा पढ़ा रहे हो तो हम सीख लेंगे, अगर आप बकैती कर रहे हो तो फिर आप अपना काम रखो, मैं अपना काम रखता हूँ ठीक है। हिंदुइज्म में कभी ऐसा नहीं है कि किसी भगवान ने आके बोला कि ये काम करो वो काम करो। हमारे यहाँ बस ये कॉन्सेप्ट है कर्मा का, कि वॉट एवर यू जैसा करोगे वैसा भरोगे जैसे ठीक हिंदुइज्म है। में आप अपनी बीवी को तलाक नहीं दे सकते, डिवोर्स नहीं दे सकते। नहीं, सर बिल्कुल दे सकते हैं, 100% हिंदुइज्म दे सकते हैं की बात कर रहा हूँ, इंडियन का, इंडियन उसकी लॉ की बात नहीं कर रहा, बिल्कुल। अब हिंदुइज्म अभी में। आप बिल्कुल दे सकते हैं साहब, अगर आप हिंदू मैरिज एक्ट में शादी करोगे तो ऑफ कोर्स दे सकते हैं नहीं, हिंदू रिलीजन जो है जी उसमें जब एक पति जो है अपनी पत्नी को डिवोर्स देना चाहता है तो जी उसका कोई हुक्म है कि क्या तरीकाकार है उसका। सर। कोर्ट में जाए सर, पहली बात तो अगर कोई हिंदू मैरिज एक्ट में शादी कर रहा है तो वो डिवोर्स पहले बात तो देते नहीं है, बिकॉज ऑफ सोसाइटी के प्रेशर से ठीक है। नहीं, मैं सिर्फ रिलीजन की, आप सिर्फ रिलीजन की बात करें, सिर्फ सर रिलीजन। हिंदुइज्म में डिवोर्स का कोई कोई आई थिंक डिवोर्स का कोई ऐसा मौलवी साहब आके नहीं बोलते हैं कि तलाक तलाक तलाक, ऐसा कुछ नहीं है हिंदुइज्म में, ऐसे डिवोर्स नहीं होता। मतलब मैंने कभी देखा नहीं है कि हिंदुइज्म में डिवोर्स होना मेरे नॉलेज के मुताबिक, आप हिंदुइज्म को ज्यादा समझते होंगे, मेरे जी नॉलेज के मुताबिक क्रिश्चियनिटी में भी, रिलीजन में और जी हिंदुइज्म में भी आप अपनी अपनी पत्नी को डिवोर्स नहीं दे सकते। मैं गलत हो सकता हूँ, अगर मैं नहीं हूँ गलत तो आप हाँ मुझे वेरीफाई कर दीजिएगा जी, इस पे भी थोड़ा सा, जो लेकिन जहाँ जहाँ इतनी इतना होमवर्क आपने इकट्ठा कर लिया लिखकर, ये भी लिख बात कि जी, हिंदुइज्म में। मैं आपको ये बता रहा हूँ सर, जो हिंदुइज्म जो है ना, ये हिंदुइज्म में ऐसा कोई हमारे यहाँ कोई ऐसा मोहम्मद साहब नहीं उतरे थे जो कि बोल रहे थे कि ऐसे कि इसी तरीके से जिंदगी बितानी है ठीक है। हर 100 किलोमीटर पे शादी करने का तरीका ही बदल जाता है हिंदुस्तान में, हाँ कल्चरल चीज आ जाती है ना, कल्चर है। कल्चरल चीज ठीक है। अभी कुछ कुछ जगह पे शादी का तरीका ऐसा होता है कि आप रिलीजन वाइज उसको कि रिलीजन वाइज आप डिवोर्स नहीं कर सकते, लेकिन आप स्टेट के पास जा सकते हो, स्टेट आपको डिवोर्स करा देगा। ऐसा नहीं है कि अगर औरत मर्द को अगर खुशी नहीं है तो उनको जबरदस्ती रहना ही है, अगर चाहे तो अलग हो सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है ठीक है। दूसरी बात सर, जो हम लोग जो है ना, हम लोग सीकर्स हैं, हमें हमें सीखना है, हम बिलीव नहीं करते ऐसा, हमारी कोई सी भी किताबें ऐसी नहीं है जो बोल रहे कि तुम इसी पे बिलीव करो ना, कोई ना भगवत गीता है ना रामायण, रामायण महाभारत तो कहानियां हैं, मतलब फिक्शनल स्टोरीज हैं देखें, अगर खुदा ताला की जात नहीं है या जी। खुदा ताला की जात है, देखिए जात है, अगर लेकिन जो जिस जात को आप बता रहे हैं, जिसकी आप बातें कर रहे हैं कि वो एक इंटेलेक्ट है और उसने ये दुनिया बनाई है और वो कंट्रोल कर रहा है, उससे उससे उस पे मैं बिलीव नहीं कर सकता कि मतलब अच्छा चले, बारिश में बादल में पानी अल्लाह भर रहा है, ऐसा नहीं वो मान अगर मैं सकता गलत हूँ नहीं समझा, अक्सर एथियस्ट जो है वो इस चीज पर बिलीव कर लेते हैं और वो कहते हैं कि हाँ क्रिएटर कोई था, कोई चीज थी जो क्रिएटर था। है। अभी भी है, जी, अभी भी है, अगर क्रिएटर यूनिवर्स पैदा था तो अभी भी होगा, को किसी ने बनाया है, हाँ किसी ना लेकिन किसी ने आप तो बनाया कहते है, हैं कि वो उसकी कॉन्शियसनेस जो है वो नहीं है, बिल्कुल नहीं है, वो बस एक वो बस है बस काइंड ऑफ एनर्जी है, डार्क एनर्जी जिसको अभी मैं भी समझ गया, मैं आपकी पोजीशन को अंडरस्टैंड कर गया हूँ। ठीक है, जी मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि जो स्टार्ट आपको लेना चाहिए पहले इन चीजों पे बात करने के, कि अल्लाह ताला ने ऐसे क्यों नहीं किया, वैसे क्यों नहीं किया, पहले जो कॉन्शियसनेस है ना कि क्या वजह है कि हम बिलीव करते हैं कि वो जो क्रिएटर है वो सिर्फ कोई ऐसे ऐसे कुछ जैसे कोई ऐसी कुछ चीज नहीं है कि जो थमी है, जिसकी कॉन्शियसनेस नहीं है, जो कोई डिसीजन नहीं लेता, जो करता कुछ नहीं है, वो उस चीज से पहले, उस चीज पे पहले उस टॉपिक पे बात कर लेते हैं कि क्या वजह है, और साइंटिफिकली बात कर लेंगे। आप मैं मेरे मुंह में बात आ रही है, मैं रोक रहा हूँ ताकि हम नए टॉपिक पे ना जाएं। ठीक है, चलिए, तो नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह मैं आपको मैसेज करूँगा। नेक्स्ट टाइम मैं आपके लिए बोल रहा हूँ, देखिए अल्लाह ताला ने ना कुछ कुदरत के भी कानून बनाए हैं जिसको लॉज ऑफ नेचर बोलते हैं, तो है ना ये आप आप उनके। शरारत कर रहे हैं, आप जाते जाते बोल रहे हैं, मुझे फिर इसका जवाब देना पड़ेगा। अरे सर आप आप, अरे सर मैं रिकॉर्डिंग के लिए बोल दे रहा हूँ कि ब्रो वी विल टॉक अबाउट इट ऑन द नेक्स्ट डे, लाइक जी जब आपका मन हो, आप चाहो तो मतलब आई मीन
If you want to answer, you can answer. If you want to hang up, it's totally fine with me. You have given me a lot of time, and I'm so thankful for you. देखिए मेरा मसला, मैं अब आपसे ना शेयर कर भी देता हूँ, मेरा एक दूसरा चैनल है उसमें मैंने ये चीज बताई थी. मेरा, मैं काम शाम करता हूँ, ठीक है, मैं ये YouTube को चलाने के लिए नहीं करता. मेरा अल्हम्दुलिल्लाह अपना काम है, बिजनेस है, सब कुछ है. मेरा मकसद सिर्फ ये है कि अगर मेरी किसी बात से कोई एक शख्स भी, अगर एक शख्स, यानी मेरा टारगेट, लोग टारगेट रखते हैं ना हमारे, वीडियो को सब्सक्राइब करें, ये करें, वो करें, आप मेरे पूरे चैनल में ऐसी कोई चीज नहीं सुनेंगे. मेरा तो चैनल ही नहीं है. नहीं नहीं, मैं वैसे अपनी बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं ये अब इस तरफ आया हूँ, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से भी टाइम मिल जाता था वीडियोस बनाने का. पहले हम बाहर जाते थे, स्पीकर कॉर्नर में बात करते थे, कस्टमर से बात करते थे, बेशुमार लोगों से बात करते थे. तो अभी क्या है कि सिर्फ एक बंदा अगर कोई बात सुनता है और उस बात का उसको फायदा होता है, हमारे बिलीव में ये है कि हमारे मरने के बाद वो काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट होती है. जब तक उस नॉलेज, वो नॉलेज उसको फायदा देता रहेगा, तब तक हमें उसका अजर मिलता रहेगा. ठीक है, तो दूसरे नंबर पे मेरी ये है कि ये चीज होती है ना, मैंने बहुत ज्यादा देखी है इंटरनेट पर भी, कि बस ये मैंने साबित कर दिया, ये मैंने, ये गलत हो गया, ये चुप हो गया. वो चीजें नहीं है, हमें, हमारे पास चीजें मौजूद हैं ज्यादा से ज्यादा. हो सकता है कि आप मेरे सामने एक ऐसी चीज रखें इस्लाम के बारे में, मुझे ना पता हो, मैंने कभी भी ना सुनी हो, ठीक है. लेकिन होता क्या है कि अगर मैंने कोई ऐसी चीज नहीं सुनी पहले से, तो मैं, मेरा होगा कि इसका 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 आंसर ढूंढूं, पहले फाइंड आउट करूं. यानी मिसाल के तौर पर पिछले दिनों एक बंदे ने सवाल किया कि यार अल्लाह है तो ये छोटे छोटे बच्चे क्यों मर जाते हैं, मतलब है कि एक्सीडेंट हो जाता है, अर्थक्वेक आ जाता है, ये आ जाता है. तो अब यहाँ पे ये है कि ये बात तो, क्वेश्चन तो वैलिड है, लेकिन इस क्वेश्चन से ये साबित नहीं होता कि बच्चे मरते हैं इट मींस खुदा नहीं है. ये कोई बात लिंक नहीं करती. तो मेरी कोशिश होगी कि नेक्स्ट टाइम जब हम बात करें, हम एक जब बच्चे पैदा होते हैं तब तो उनको खुदा का करिश्मा बोलते हैं ना जी. जब बच्चे पैदा होते हैं तो उनको तो खुदा का करिश्मा बोलते हैं ना. हमारे हिंदुइज्म में भी बोलते हैं कि लक्ष्मी पैदा हुई है अगर लड़की पैदा हुई तो. नहीं नहीं, मुसलमान होने के नाते हमारा बिलीव है कि जो अल्लाह जानता है हम नहीं जानते. ठीक है, वो तो मैंने पहले ही बोला था कि अल्लाह तो सब कुछ जानता है, फिर भी मोहम्मद साहब को नहीं रोका गया. नहीं नहीं नहीं, हाँ, लेकिन फिर अब फिर वापस आ रहे हैं उस चीज पर कि चले इसी चीज पे बात कर लेंगे नेक्स्ट टाइम. मैं अब मज़ीद फर्दर फिर, हाँ, मेरे ख्याल से मेरा सजेशन है कि जब ये जितनी भी आपने चीजें की है ना, आधे सवालों के जवाब आपके तय हो जाएं, जब आपको ये यकीन आ जाए कि खुदा तआला की ज़ात है. मेरी कोशिश होगी कि बात करते वक्त आप बस ये देखा करें कि आप अपनी इन्फॉर्मेशन. 101% यकीन है, एज अ साइंटिस्ट मैं बोल रहा हूँ, अल्लाह ताला की जात है, अल्लाह ताला है, लेकिन अल्लाह ताला वैसे नहीं है जैसे आपने बता रखा है. लेकिन वो जो आप कह रहे हैं ना कि कॉन्शियसनेस जो है वो है कि नहीं, अल्लाह ताला को कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता हम लोग से, उन्होंने लॉज ऑफ नेचर बना दिए हैं. मैं आपकी पोजीशन अंडरस्टैंड कर गया हूं. नेक्स्ट टाइम हम इस चीज पर बात करेंगे कि जो क्रिएटर है वो हम क्यों मानते हैं कि वो खुदा है, इस चीज पे बात करेंगे. खुदा तो सर मैं भी मान रहा हूँ, मैं खुदा खुदा को इंसान नहीं बता रहा, स्पेसिफिकली बोल देता हूँ कि अल्लाह हम क्यों बिलीव करते हैं, वो क्रिएटर जो है वही अल्लाह है. मैं सर मैं आपकी बात से 100% एग्री कर रहा हूँ कि जो क्रिएटर है वही अल्लाह है, लेकिन वो अल्लाह उस अल्लाह का इंसान से कोई ना कोई रिश्ता नहीं. मजीद बात कर लेता हूँ कि जो क्रिएटर है वही इस्लामिक गॉड है. इस टॉपिक पे बात कर लेंगे ना नेक्स्ट टाइम. चलिए ठीक है, जो क्रिएटर है वो इस्लामिक गॉड है. जी जी, चलिए ठीक है सर. इस बार आप जो है ना होमवर्क के तौर पर मैं जो है ना वो रेफरेंसेस देख लूंगा जो आपने कहा ना कि जो उसके कब की कौन सी एज है और कब वो आया था, क्योंकि सारी चीजें मौजूद हैं और वो इतना मवाद है कि आपको वो ढूंढना पड़ता है. और सर मैं ना ढूंढ के तो आपसे बात कर रहा हूँ, ये सब पढ़ा है मैंने, तभी तो आपसे पूछ रहा हूँ ये सब. मतलब जब पहली बार मैंने पढ़ा मुझे खुद विश्वास नहीं हुआ कि ऐसे कैसे हो सकता है. क्या पढ़ा कि हजरत कि मोहम्मद साहब 53 इयर्स के और आयशा मैडम 6 साल की. मैं खुद बड़ा शॉक लगा, मुझे बहुत बुरा लगा कि ऐसा कैसे हो सकता है. नहीं, आपका बुरे लगने से मुझे प्रॉब्लम नहीं है. प्रॉब्लम मुझे ये हो रहा है कि मैंने जो आपको बोला ना कि इसका जो रेफरेंस है ना आप जो मैंने आपको दिया, आप कह रहे हैं पहले आया कि बाद में आया, वो मैंने कहा कि वो मैं देखूंगा कि उसका रेफरेंस वो मौजूद है. ठीक है, जैसे आप एक कोई आप हैरी पॉटर की मिसाल दे रहे हैं, तो आप स्टोरी में कोई बंदा बात करता है यार उस स्टोरी में ये भी हुआ था, तो वो आप कहते हो ये हुआ था, अगला कहता है नहीं था हुआ, तो वो आपको कहता है भाई कहाँ लिखा हुआ है, तो अब आपको पेज नंबर तो नहीं याद लेकिन आपने पढ़ा है.
अब आपको उसको कन्विंस करने के लिए बुक खोलनी पड़ेगी और देखना पड़ेगा आपको कि हाँ 56 पेज खोलो, उसका सेकंड पैरा है, उसमें लिखी हुई है कि उसके साथ ये भी हुआ था। तो मैं भी यही कह रहा हूँ कि ये जितनी भी इंफॉर्मेशन है ना, मैं इस चीज की गारंटी लेता हूँ, कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो आप कहेंगे कि ये इस्लामिक जो सिलेबस है पूरा उसके अंदर मौजूद ही नहीं है। इस चीज की मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। हाँ, आपको इस कन्वर्सेशन में कोई रेफरेंस चाहिए, वो फिर मैं किताब खोल के आपको बताऊंगा कि क्या तरीकाकार है। आप अमेरिका में, आपको पता है, आप जब इंडिया में होते हैं, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर एक टाइम पे चार बंदों को देख रहा होता है, नब्ज पकड़ता है, दवाई दे के आपको फारिग कर देता है। आप अमेरिका में हैं, आप अगर आपका एक्सपीरियंस हुआ हो, कभी आप किसी डॉक्टर के पास जाएं, उसकी ऑनेस्टी होती है, जब उसको किसी चीज की समझ नहीं ना आती वो किताब खोल लेता है उस वक्त। सर मेरे घर में ही कई काफी सारे दफा, डॉक्टर हैं, वो जिंदगी भर पढ़े ही हैं, तभी तो मैं हाँ पढ़ रहा हूँ। कई दफा होता है कि उनकी ऑनेस्टी होती है कि वो सामने पेशेंट बिठा कर एक बुक खोल कर देखते हैं कि यार क्या ये यही प्रॉब्लम है, क्या मैं इसको यही मेडिसिन दूं। तो हमारा सर तरीकाकार भी यही मेरे को है। सवाल पूछने आते हैं, मैं भी यही काम करता हूँ। जी नहीं, अच्छी बात है, आई अप्रिशिएट, अगर ऐसी बात है तो मेरा आपको सजेशन ये ऐसे ही है। होता है सर, एज अ साइंटिस्ट मुझे पूरी दुनिया के बारे में नहीं पता, ना ही कोई फिजिसिस्ट ये क्लेम कर सकता है कि उसे सब कुछ पता है। कोई भी नहीं कर सकता, लेकिन बैलेंस और प्रोबेबिलिटी, जो रीजनेबल चीज है, हम उसी की तरफ चलते हैं। वही तो सर, जब प्रोबेबिलिटी की कैलकुलेशन होती है, देखें इट्स अ मैथमेटिक्स, जब देखें, प्रोबेबिलिटी की कैलकुलेशन की तो सर हमें पता चल रहा, तो ये अंदाजा हो रहा है कि जिस अल्लाह को आप बता रहे हैं, जिस अल्लाह को मुसलमान वर्ल्ड या इब्राहिमिक गॉड, क्योंकि ये जो तीन तीन रिलीजन है, क्रिश्चियनिटी, जुडाइज्म और इस्लामी, तीनों एक ही जगह से निकले हैं, तो बहुत पॉसिबिलिटी है कि ये कहानियां आपस में चलती, क्योंकि सेम चीज बाइबल में भी लिखी हुई है, सेम चीजें टोरा में भी हैं, सेम चीज। मैं आपको एक ऑनेस्ट बात करता हूँ, क्योंकि अब आप, मैं कह सकता हूँ कि आप मुसलमान नहीं हैं, मैं कह सकता हूँ कि हम सब आदम की औलाद है, मेरा बिलीव है, तो आपका नहीं मुझे पता कि आप किस चीज, आप बंदर बिलीव करते हैं ये या आदम औरत। की बात करके तो आपने फिर नेक्स्ट नेक्स्ट टाइम के लिए भी टॉपिक उठा लिया। नहीं, मैं आपको कहना चाह रहा हूँ, मैं बिलीव करता हूँ कि एज ए मतलब है कि एज ए ब्रदर मैं आपको ये कहूंगा कि आपके क्वेश्चन वैलिड हैं, लेकिन आप ना इन क्वेश्चन को, अगर आपने कहा ना यू आर अ सीकर ऑफ ट्रुथ, इन क्वेश्चन को तरतीब नॉट लगाओ। ट्रुथ सीकर, ट्रुथ वो मैं बाद में देख सीकर, लूंगा, ट्रुथ है यू कि आर अ फॉल्स, सीकर, सीकर ऑफ ट्रुथ ऑफ कोर्स, वो आप दैट आई विल डिसाइड। नहीं, आप किस चीज के सीकर हैं, क्या क्या आपको किस चीज सीकर ऑफ की, इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन, फॉल्स इंफॉर्मेशन इज ऑल्सो एन इंफॉर्मेशन। लेकिन आप, आपको कौन सी इंफॉर्मेशन चाहिए, जो प्योर इंफॉर्मेशन है या जो फॉल्स इंफॉर्मेशन है। सर फॉल्स और ट्रू दोनों इंफॉर्मेशन चाहिए, ऑन दैट आई विल जज कि व्हाट इज ट्रू व्हाट इज फॉल्स। ये सर बड़ा जो फॉल्स इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन दे रहा है उसके सेंटेंस हिसाब से तो वो भी ट्रू इंफॉर्मेशन दे रहा बोला होगा ना। आपने, आई विल जज, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सेंटेंस बोला है आपने। मैं असल में बात यहां तक करना चाह रहा हूँ। आप भी अपना कमिटमेंट का, जो भी मेरी बात हुई है, मेरी आपसे बड़ी अच्छी बात हुई है, आई एम हैप्पी, आई अप्रिशिएट, लेकिन जो कमेंट में जिस तरीके से, जारहाना तरीके से आप बात कर रहे थे, मुझे नहीं लगता था कि हमारी इतनी अच्छी कन्वर्सेशन होगी, लेकिन थैंक यू कि आपने अपनी बातें सर मुझे, वो कैरिड अवे इन द इमोशंस हो जाते हैं कभी कभार, दो तीन पैग लगाने के मैं बाद। इसलिए पसंद नहीं करता लॉन्ग डिस्कशन कमेंट्स में, और उसमें बड़ा ही कोई मूड हो मेरा तो मैं कोई रस्ते में मैसेज कर देता हूँ। एनीवेज, आप, मेरा सजेशन है कि अगर आप वाकई सीकर ऑफ ट्रुथ हैं, सीकर इंफॉर्मेशन है, तो थोड़ी सी तरतीब लगा लें। यानी जी ये जो चीज़ें हैं ना, कि मिसाल के तौर पर इस्लाम से मुतल्लिक ये हज़रत आयशा की एज के बारे में कंपाइलेशन ऑफ कुरान, ये सारी चीज़ें, ये बड़े अच्छे क्वेश्चन हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, लेकिन जी इनमें से कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं कि जिनके, मिसाल के तौर पर पहला आपका, जो मैं जहाँ पे पहुंचा हूँ, जो मुझे लगता है कि आपको पहले नंबर पर हम इस चीज़ पर डिस्कशन करें कि जो क्रिएटर ऑफ दिस यूनिवर्स है, हमारा बिलीव है कि वो इस्लामिक गॉड है, ठीक है। अब जब ठीक ये है टॉपिक क्लियर हो जाएगा, आप बिलीव लाना एक और बात है, जहाँ पे बेशुमार लोग हैं जो खुदा को मानते हैं, इस्लामिक गॉड को मानते हैं, लेकिन फिर भी वो मुसलमान नहीं है। रिलीजन को साइड पे करके एक मिनट के लिए, अगर आप साइंटिफिकली बात करना चाहते हैं, आपका नॉलेज मेरे से ज्यादा होगा। हाँ सर, कुरान मैं आईटी की फील्ड का में बंदा आपका हूँ, नॉलेज ज्यादा होगा। आप साइंस की फील्ड के बंदे हैं, ठीक है, आप जी। साइंस पढ़ रहे हैं, आपका नॉलेज ज्यादा होगा, बल्कि मैं जो बातें आपके सामने रखूंगा, आप उसको आसानी से वेरीफाई कर सकेंगे। अभी मुझे प्रॉब्लम आती है कि जब मैं आपको इस्लामिक बात कोई करता हूँ, क्योंकि आप इस्लामिक नहीं है तो आप और उसको वेरीफाई नहीं कर सकते,
लेकिन जब साइंटिफिक बात रखूंगा तो होपफुली आप उसको वेरीफाई कर देंगे या करेक्शन कर देंगे, दो में से एक ही चीज होगी ना। दोनों करने के लिए मुझे रिसर्च करनी पड़ेगी, आप भी मुझे कुछ बताएंगे तो मैं उसको कितनी चीजें हुई हैं जो कि मैंने आपको बताई हैं, कुछ चीजें आपने मुझसे पूछी हैं, मैं आपको 100% हर चीज का जवाब नहीं दे सका, लेकिन जितना मैंने जवाब दिया आपको मैं ये गारंटी देता हूँ कि वो एक्यूरेट प्योर है, ठीक है। तो बाकी की जो इन्फॉर्मेशन है वो मैं वो फाइंड आउट करूंगा, फिर हम उस पर बात कर लेंगे, ठीक है। बिल्कुल, तो मैं ये समझता हूँ कि हमें नेक्स्ट टाइम बात करनी चाहिए कि क्यों, मेरा बिलीव है एज ए मुस्लिम, मैं बिलीव करता हूँ कि जो क्रिएटर ऑफ दिस यूनिवर्स है वो हमारा इस्लामिक गॉड है, वो वही अल्लाह है जिसने कुरान उतारा है। जब हम इस तरफ आ जाएंगे ना, फिर अगले स्टेप पे आ जाएंगे, अच्छा अब ये तो बात चलो मान लेते हैं, चलो जी कि खुदा है, अब ये बताओ कि कुरान जो है वो सच्ची किताब है, इसका क्या सबूत है, हुजूर पाक सल्लम जो है सच्चे नबी है, इसका क्या सबूत है। तो होगा क्या कि कुरान और हुजूर पाक सल्लम को डिस्कस करने से पहले ये लाजमी है कि हमें पता हो कि खुदा ताला जो है उन वो इनके जब यकीन आ जाए कि खुदा ताला की जात है तो फिर आसानी होगी उस चीज में। जैसे अगर कोई शख्स हुजूर पाक सल्लम को ही नहीं मानता तो मैं उनके हवाले देता रहूंगा तो वो कहेगा मैं तो मानता ही नहीं उस हवाले को। तो स्टेप बाय स्टेप, तो इसमें नाइस टॉकिंग टू यू, नेक्स्ट टाइम होपफुली फिर हम बात करेंगे। मैं इसलिए पसंद नहीं करता लॉन्ग डिस्कशन कमेंट्स में, और उसमें बड़ा ही कोई मूड हो मेरा तो मैं कोई रस्ते में मैसेज कर देता हूँ। एनीवेज आप मेरा सजेशन है कि अगर आप वाकई सीकर ऑफ ट्रुथ है, सीकर इंफॉर्मेशन है, तो थोड़ी सी तरतीब लगा लें, यानी ये जो चीजें हैं ना कि मिसाल के तौर पर इस्लाम से मुतालिक ये हजरत आयशा की एज के बारे में कंपाइलेशन ऑफ कुरान, ये सारी चीजें, ये बड़े अच्छे क्वेश्चन हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, लेकिन इनमें से कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं कि जिनके मिसाल के तौर पर पहला आपका जो मैं जहाँ पे पहुंचा हूँ, जो मुझे लगता है कि आपको पहले नंबर पर हम इस चीज पर डिस्कशन करें कि जो क्रिएटर ऑफ दिस यूनिवर्स है, हमारा बिलीव है कि वो इस्लामिक गॉड है, ठीक है। अब जब ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा, आप बिलीव लाना एक और बात है, जहां पे बेशुमार लोग हैं जो खुदा को मानते हैं, इस्लामिक गॉड को मानते हैं, लेकिन फिर भी वो मुसलमान नहीं है। तो रिलीजन को साइड पे करके एक मिनट के लिए, अगर आप साइंटिफिकली बात करना चाहते हैं, आपका नॉलेज मेरे से ज्यादा होगा, आईटी की फील्ड में आपका नॉलेज ज्यादा होगा, मैं आईटी की फील्ड का बंदा हूँ, आप साइंस की फील्ड के बंदे हैं, ठीक है, आप साइंस पढ़ रहे हैं, आपका नॉलेज ज्यादा होगा, बल्कि मैं जो बातें आपके सामने रखूंगा आप उसको आसानी से वेरीफाई कर सकेंगे। अभी मुझे प्रॉब्लम आती है कि जब मैं आपको इस्लामिक बात कोई करता हूँ, क्योंकि आप इस्लामिक नहीं है तो आप उसको वेरीफाई नहीं कर सकते, लेकिन जब साइंटिफिक बात रखूंगा तो होपफुली आप उसको वेरीफाई कर देंगे या करेक्शन कर देंगे, दो में से एक ही चीज होगी ना। दोनों करने के लिए मुझे रिसर्च करनी पड़ेगी, आप भी मुझे कुछ बताएंगे तो मैं उसको बता रहा हूँ। हाँ हाँ देखिए वही बोली बात है कि अभी आज कितनी चीजें हुई हैं जो कि मैंने आपको बताई हैं, कुछ चीजें आपने मुझसे पूछी हैं, मैं आपको 100% हर चीज का जवाब नहीं दे सका, लेकिन जितना मैंने जवाब दिया आपको मैं ये गारंटी देता हूँ कि वो एक्यूरेट प्योर है, ठीक है। तो बाकी की जो इन्फॉर्मेशन है वो मैं वो फाइंड आउट करूंगा, फिर हम उस पर बात कर लेंगे, ठीक है। तो मैं ये समझता हूँ कि हमें नेक्स्ट टाइम बात करनी चाहिए कि क्यों, मेरा बिलीव है एज ए मुस्लिम, मैं बिलीव करता हूँ कि जो क्रिएटर ऑफ दिस यूनिवर्स है वो हमारा इस्लामिक गॉड है, वो वही अल्लाह है जिसने कुरान उतारा है। जब हम इस तरफ आ जाएंगे ना, फिर अगले स्टेप पे आ जाएंगे, अच्छा अब ये तो बात चलो मान लेते हैं, चलो जी कि खुदा है, अब ये बताओ कि कुरान जो है वो सच्ची किताब है, इसका क्या सबूत है, हुजूर पाक सल्लम जो है सच्चे नबी है, इसका क्या सबूत है। तो होगा क्या कि कुरान और हुजूर पाक सल्लम को डिस्कस करने से पहले ये लाजमी है कि हमें पता हो कि खुदा ताला जो है उन वो इनके जब यकीन आ जाए कि खुदा ताला की जात है तो फिर आसानी होगी उस चीज में। जैसे अगर कोई शख्स हुजूर पाक सल्लम को ही नहीं मानता तो मैं उनके हवाले देता रहूंगा तो वो कहेगा मैं तो मानता ही नहीं उस हवाले को। तो स्टेप बाय स्टेप, तो इसमें नाइस टॉकिंग टू यू, नेक्स्ट टाइम फिर हम बात करेंगे। आपकी परमिशन से अगर इस वीडियो में कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन है तो क्या मैं उसको शेयर कर सकता हूँ अपने चैनल्स में? My friend, यार अगर हो सके तो मेरा चेहरा ब्लर कर दो, I don't want to end up on the internet. क्योंकि वो चलिए जो exist
उसका सबसे पहले इस्लामिक गॉड का, चलिए इस्लामिक गॉड पे नेक्स्ट टाइम डिबेट कर लेते हैं, और इस पे हम स्टार्ट यहाँ से करेंगे काइंड ऑफ. मैं आपको थोड़ा सा ओवर भी दे देता हूँ, आप भी चाहे मुझे कोई काम देना चाहे तो दे सकते हैं. वो ये है, मैं मेरी साइंटिफिक टर्म शायद गलत हो सकती है, आप मुझे करेक्ट कर लीजिएगा, कि हर चीज जो है नंबर एक किसी दूसरे एक आइटम जो है वो किसी ना किसी दूसरी आइटम पर की डिपेंडेंट होती है. इज इट ट्रू? कायनात की हर चीज नहीं, जरूरी नहीं है. कायनात की कोई ऐसी चीज है जो इंडिपेंडेंट है, जिसको किसी भी चीज की जरूरत नहीं है? बहुत सी चीजें हो सकती हैं सर. कोई कोई एक मिसाल दें, कोई एक चीज. कैंसर सेल. क्या चीज? कैंसर के सेल. हाँ, लेकिन इसको जरूरत पड़ी ना, इसको डिजाइन करने की, इसको बनना पड़ा, ये डिपेंडेंट था ना उस चीज का. इवॉल्व हुआ नहीं खुद. जैसे भी कोरोना का नया स्ट्रेन इवॉल्व हुआ ना, उसी तरह कैंसर का भी तो इवॉल्व हुआ. कैंसर भी तो बना. मैं डिफरेंट तरीके से कुछ बना. मैं डिफरेंट तरीके से क्वेश्चन करता हूँ, शायद मुझे समझाने में प्रॉब्लम हो रही है. चलिए, एक जैसे दरख्त है, दरख्त क्या होता दरख्त है? के बनते वक्त दरख्त के दरख्त क्या अंदर होता है? ट्री ट्री. ओके ओके कूल. आके बोलते हैं हिंदी में पेड़. पेड़. हाँ हाँ ठीक है ठीक है, पेड़ पौधे हम भी बोल लेते हैं उसे. अच्छा, जी. तो दरख्त के अंदर बेशुमार वेरिएबल्स होते हैं जिससे वो बनता है. जी, कार्बन और हाइड्रोजन होता है. हाँ, यानी कि कोई भी आइटम है उसके अंदर वेरिएबल्स होते हैं, ऐसा ही है ना? कार्बन हाइड्रोजन ही होता है सर मैक्सिमम चीजें. मैं और आप भी कार्बन हाइड्रोजन से बने हैं. ठीक है ठीक है. और वो जो वेरिएबल्स हैं उनको खास तरतीब में उनकी वो तश्कील होती है, वो बनते हैं. एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं अगर आप, तो आप साइंटिफिक टर्म आप बताएंगे, मैं सादा जुबान. हाँ ठीक है ठीक है. हाँ 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 तो इस टॉपिक से हम बात को स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह. ठीक, इंशाल्लाह. बाकी फिर जहां आप अपना सोर्सेज दीजिएगा, मैं अपने सोर्सेज दूंगा, फिर जहां भी सोर्सेज हमें ले जाए हम वहां चले जाएंगे. ठीक ठीक है सर. आप अच्छा, मेरे लिए आपके पास एक आपके लिए एक होमवर्क है. आप रिसर्च कर लीजिएगा इसे. पूरे दुनिया में, दुनिया के किसी भी यूनिवर्सिटी में अगर आप जाइएगा और आप मैथमेटिक्स के डिपार्टमेंट में जाएंगे, तो वहां पे आपको एक एक मैथमेटिशियन करके मिलेंगे, रामानुजन. ठीक है? रामा, वो रामानुजन, सुना है उनका नाम आपने? मैं लिख रहा हूँ, क्या है? रामा, रामानुजन. रामानुजन नोजन. अच्छा ठीक है. रामानु ये दुनिया के सबसे बड़े मैथमेटिशियन थे और 33 साल में ये चल बसे थे. तो इनसे जब पूछा गया कि यार आपकी तो हाई स्कूल की पढ़ाई भी नहीं हुई है, आपको आपने कहाँ से ये सब प्रूफ किया, मतलब उन्होंने बड़े बड़े मैथ के चीजें प्रूफ कर रखी. आप किसी भी यूनिवर्सिटी में जाके मैथमेटिक्स के डिपार्टमेंट में अगर कदम रखेंगे, तो सबसे पहली फोटो आपको रामानुजन की दिखेगी. ठीक. तो रामानुजन का ये जवाब था कि मेरे सपने में सरस्वती आती थी और वो मुझको बताती थी. अब सर एक बात बताओ, एक आदमी जो ये क्लेम कर रहा है कि उसके सपने में गॉडेस आती थी और उस गॉडेस ने आके उसको बताया, उसने वो सब लिखा, और अब एक्सपेरिमेंटली मैथमेटिकली इट्स ट्रू, इट्स फैक्चुअल, इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता, कोई भी साइंसदान इसको डिनाई नहीं कर सकता. तो सर मैं हिंदुइज्म को क्यों ना मान लूं, क्योंकि रामानुजन, क्योंकि मोहम्मद साहब ने तो बस बोल दिया, यहाँ पे तो लॉन्डे ने बोल के लिख के प्रूफ भी कर दिया, यू नो. तो आप इस पे भी सर्च करना, इस पे मैं कोई आपसे वो रिप्लाई नहीं मांग रहा. बिल्कुल हाँ, मैंने ये नाम पहले नहीं सुना. एस रामानुजन करके, एस डॉट रामानुजन. ले मैं आपको वैसे बता देता हूँ कि अगर एक शख्स आता है ना, तो वो आकर ये कहता है ना कि यही वाला अगर दावा करता है जो कि ये रामानुजन ने किया है, और वो ये कहता है कि भाई ये मैंने किताब लिखी है और ये मुझे खुदा ने आके बताई है किसी तरीके से, तो मैंने लिख दी है और ये प्रूव हो गई है, तो पहली बात तो ये है कि वो देखा जाएगा ना कि इसने किताब लिख कर ये दावा किया है, क्योंकि लिख के दावा किया है. हाँ मतलब है कि वो ये हो सकता है कि लिख ले, बाद में ये दावा कर दे कि जी मैंने इसलिए किया है. तो उसने लिखने के बाद जो पब्लिश किया, तो लोगों ने पूछा कि तुझे कैसे पता, हमें तो हम तो मतलब ब्रिटिश ने पूछा, यार हम तो साले इतने बड़े हैं, तुम इंडियन ब्लडी इंडियंस, तुम्हें कैसे आता? तो उसने बोला कि मुझको सरस्वती ने आके बोला, तू क्या उखाड़ लेगा. मसला ये है ना कि अब बिल गेट अगर ये कह देता, बिल गेट भी तो नहीं पढ़ा इतना, तो बिल क्या बात कर रहा है सर, कॉलेज ड्रॉप आउट है वो. चलो कॉलेज तक ही है ना, हमने जो सुना है वो तो यही सुना है कि कॉलेज ड्रॉप आउट ही है वो, उसने आगे फर्दर स्टडी नहीं की उस तरह की जिस तरह के ये जितने भी एक्सपर्ट्स करते हैं. सर अमेरिका में मैं पढ़ाने का $12 घंटा लेता हूँ, जो कचरा वाला है वो कचरा उठाने का $17 घंटा लेता है. ऐसा ही है, ऐसा ही है.
ठीक है, तो अमेरिका में मतलब अगर कॉलेज तक आप पहुंच ही गए ना तो वही काफी है, आपको नौकरी बड़ी आराम से मिल जानी है। हाँ, लेकिन जो उसने तख्लीक किया, जो दरियाफ्त किया, वो उसकी स्टडी के लेवल का तो नहीं था, बहुत अबव था ना। जी मेरा हो मतलब सकता कहने का है ये है कि चले बिल गेट की मिसाल छोड़ के ऐसे बेशुमार लोग हैं जो पढ़े नहीं बिल्कुल होते लेकिन वो ऐसी ऐसी चीज दरियाफ्त कर लेते हैं। तो जी पहला सवाल तो ये होगा कि वाई के को लोगों का क्या बिलीव है उस शख्स के बारे में। अगर मैं ये दावा करता हूँ कि भाई मैंने ये किताब लिखी है और ये खुदा की तरफ से है, तो लोग पहला सवाल मेरे पर उठाएंगे कि ये शख्स कितना सच्चा है, कितना झूठ है। सर, सर बात ठीक, बिल्कुल सही बात आपने बोली कि पहला शक रामानुजम पे जाएगा, लेकिन जब उस जब किताब पढ़ी, किताब लग पढ़ने के बाद 100 लोगों ने किताब पढ़ी, 100 लोगों ने वो मैथ के सवाल लगाए, सबके 100 के 100 का एक ही आंसर आया, किसी का डेसिमल के तीसरे पॉइंट तक भी डिफरेंस नहीं आया, हाँ, अब इसमें तो ये है उस कि मैंने आपको दूसरी मिसालें दे दी हैं, इसका मैंने जिक्र नहीं किया क्योंकि मैंने इसके बारे में कुछ पढ़ा नहीं है। इंशाल्लाह ठीक मैं है, इसका पढ़ होमवर्क करूंगा। लीजिए, इसके बारे में पढ़ ठीक लीजिए, विल डिस्कस इट नेक्स्ट टाइम इनशाला। है, चलो जी, चलिए जनाब, थैंक थैंक यू गुड फॉर लेटिंग मी टॉक। टू हियर, गुड टू हियर यू से इंशाल्लाह। तो कुछ ना कुछ असर हुआ है इसका मतलब। अरे सर, मैं हिंदुस्तान में ना सर सारे रिलीजन रहते हैं, आप लोग क्या बस ऐसी घुट्टी पिला दी गई कि मुसलमानों पे तशद्दुद हो रही है, हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता, हम लोग यार ईद बिरीदी सब मनाते हैं। पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होती है। हमें किसी भी चीज के बारे में जानने से पहले हिस्ट्री जानना बहुत जरूरी होती है। सर आप ये तो कह देते हैं कि देखें जी तालिबान तालिबान, लेकिन तालिबान की हिस्ट्री पढ़े, इनको पैदा किसने किया था। तो चले सर नेक्स्ट सर टाइम, मुशर्रफ नेक्स्ट साहब, मुशर्रफ साहब टाइम। ने, मुशर्रफ साहब ने किताब लिख दी है कि तालिबान को उन्हीं ने बनाया, पाकिस्तान की आर्मी ने बनाया। मैं तो सर वाजिबुल कत्ल हूँ, मेरी बात पे विश्वास न करें, आप अपने जी, लोगों की किताब पढ़ें। आप नेक्स्ट होमवर्क में ना उसकी वो किताब का पन्ना निकाल के उसका जिस पे उसने ये लिखा है ना सर मैं अभी उसका आपको तुरंत, जी अभी जी आप कॉल पर रखने के उसका बाद वीडियो ही उसका भेज दूंगा, जी जी उसका पिछला सफा और अगला सफा जो है ना वो ही बता दीजिएगा कि मैं आपको वो, वीडियो ही भेज दे रहा हूँ सर, वजाहत खान के साथ उसका इंटरव्यू है। आप रेफरेंस दीजिएगा, चाहे वीडियो भेज दें कि वो कौन से तालिबान पैदा किए हैं। क्योंकि जब रूस ने अफगानिस्तान में हमला किया था, अमेरिका नहीं चाहता था कि रूस अफगानिस्तान में हमला करे, अमेरिका ने तालिबान पैदा करके अफगानिस्तान में छोड़े थे। और जब रूस सर अफगानिस्तान से निकल गया था तो उस तालिबान को खत्म करने के बजाय उसने असले समय छोड़ दिया था उनको वहां पे। अमेरिका ने सिर्फ पैसा दिया, मोटिवेशन मोटिवेशन मनी एंड ट्रेनिंग वाज प्रोवाइडेड लॉ बाय को यूज किया ना पाकिस्तान। उन्होंने, उन्होंने लॉ को यूज किया जिस तरह ड्रोन हमलों को लॉ में यूज किया। ड्रोन हमले जो होते रहे हैं उधर अफगानिस्तान में और उधर बॉर्डर में। ड्रोन हमले तो अभी ताजी बात है ना सर, सर जी तालिबान की बातें जी तो 80s में शुरू हुई ना, तालिबान जी जी ऐसे तो 1995 में एग्जिस्ट जब हुआ। आप लेकिन कहते हैं ना तालिबान, तो फिर वो कौन से तालिबान है? कुछ 70 किस्में हैं तालिबान की। सर मैं उस तालिबान की बात कर रहा हूँ जो कि जो मलाला जसों को गोली मार देते हैं और जो बुद्धा की स्टैचू जो तोड़ रहे होते हैं। मलाला का जिक्र करके भी आपने कोई दूसरी तरफ चले गए मेरे ख्याल से। हाँ आपने तालिबान के बारे में पूछा, मैं उसी तालिबान को जानता हूँ जो कि बच्चों को गोली मार देते हैं पढ़ने के नाम पे और दूसरे धर्मों को ये जो है ना के हैं। डॉक्टर मोहम्मद ताहल कादरी साहब का एक फतवा आया जो 600 सफात का आया था, पेजेस का, उस पर बड़ी डिटेल से उन्होंने बताया कि ये प्रिडिक्शन की गई थी कि आने वाले वक्तों में नौजवान नस्ल का एक तबका निकलेगा जो कि जिनको खारजी का नाम दिया गया है, जो अपने आप को मुसलमान बोलेंगे, जो आप जो कुरान पढ़ेंगे तो ऐसा लगेगा कि आपसे भी बेहतर कुरान पढ़ रहे हैं, जो इबादत करेंगे तो लगेगा आपसे भी बेहतर पढ़ रहे हैं, लेकिन वो दीन से खारिज होंगे। और उसकी पूरी डिटेल है कि वो लोग कौन होंगे, खारजी कहलाते हैं वो इस्लाम। ये भी प्रिडिक्शन की गई थी, ज़ुबा ने सर फरमाया इतना डिटेल होने के बावजूद भी फिर आईसिस कैसे एग्जिस्ट कर रहा है? मतलब, नहीं प्रिडिक्शन की गई थी कि ऐसा होगा, ऐसे लोग निकलेंगे, ऐसा काम करेंगे, दीन को बदनाम करेंगे, दीन के नाम पे काम करेंगे और कहेंगे भाई हमने मार दिया, लेकिन वो दीन से खारिज होंगे। ज़ुबा ने फरमा दिया, कह दिया वो। लेकिन सर उनके 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 पॉइंट ऑफ व्यू से तो वो दीन का ही काम कर रहे हैं ना, क्योंकि उनके उनके पॉइंट ऑफ व्यू से वो लैंड को कैप्चर करके मर्दों को मार के औरतों को कैप्टिव ले लेना, ये तो हदीसों में लिखा है। ये मुझे समझ नहीं आती कि अब इस तरह एक टॉक शो था, उस टॉक शो में ना यही बात हो रही थी, एक गोरा बैठा हुआ और उसने कहा कि भाई आपका मजहब ये कहता है, वो आगे कोई इमाम साहब बैठे हुए थे, वो कहता है यार कि इसकी इसका सबूत दो, कहता है तुम्हारे लोग जो वो कर रहे हैं ना वो उस चीज पर बिलीव कर रहे हैं। अब मेरी समझ नहीं आती कि एक बंदा जो कि दहशत गर्द है, जो दुनिया के किसी कोने में बैठा हुआ है, जो मासूम लोगों को मार रहा है, जी तो क्योंकि लोग उसकी इंटरप्रिटेशन को कह रहे हैं कि यार वो सच है, लेकिन जो बंदा तो विजिबल है ना सर, सामने बैठ के कह रहा है कि यार ये तो सारे खारजी हैं, तो विजिबल है ना उसके सर, जी विजिबल है ना, दिख रहा है। अब सर एक बंदा सामने देखो बैठा हुआ है आपके, एक बंदा आपके सामने सर बैठा हुआ। चले मैं आपको एक और जी चैलेंज देता हूँ, ठीक है,
قرآن مجید میں سے کوئی ایک آیت ایک ورس بتائیں گے جس میں یہ لکھا ہو کہ انسنٹ کو آپ قتل کر سکتے ہیں. کوئی سا ایسا کسی بھی ریلیجن کی کتاب میں نہیں لکھا ہوگا. تو اگر وہ کر رہے ہیں تو آپ بتائیں نا کہ کیسے. اب یہ تو کوئی بھی بندہ کافر اور اپوسٹیٹس کو تو مارنے اسلامک کنٹری میں کافر اور اپوسٹیٹ کو تو مار سکتے ہیں. اپوسٹیٹ ایک سیکنڈ, کافر کو نہیں مار سکتے, اپوسٹیٹ کو مارنے کی کنڈیشن ہے, وہ پتا ہے آپ کو؟ مطلب اگر اس نے مطلب بلاسفیمی کی تو مار ہی سکتے ہیں نا سر. بلاسفیمی ڈیفرنٹ ہے, اپوسٹیٹ ڈیفرنٹ ہے. سر بات یہ کہ آپ نے کہا کہ مارنے کی بات, ابھی میں مان لو یار میں رہ رہا ہوں سعودی عربیہ میں, مجھے نہیں ماننا قرآن میں نہیں, تو ایسا تھوڑی نہیں کہ آپ مجھے. ایسا نہیں یار, پاکستان میں کیا چرچز نہیں ہیں؟ پاکستان میں کیا ہندو نہیں رہتے؟ تو ان کو کیوں نہیں مار رہے ابھی تک؟ ابھی وہ تو نہیں بلیو کرتے. سر مار تو رہے ہیں, یہ میاں مٹھو جو سندھ میں ہیں یہ بہت فیمس اسی لیے تو ہیں کہ ریلیجیس کنورژن کراتے ہیں. ابھی دو دن پہلے آپ کے یہاں ہندو مندر توڑ دیا گیا, گرودواروں پہ جو نانک صاحب ہیں ان پہ پتھر کیے, اس کے بعد پولیس نے بیچارے نے کمپلین سوری بھی آ کے بولا, حالانکہ وہ بات اچھی ہے. لیکن آپ کو یہ پتا ہے کہ اسلام آباد میں نیا مندر بنا ہے؟ سر مندر بننے کی بات چل رہی ہے جس کو ایک بار آلریڈی توڑا جا چکا ہے, وہ اسی سال ہوا ہے. بات پھر جا رہی ہے یار, میں شام پڑ جائے گی, ایک پاکستان کے ٹائم بھی ہو گیا ہے. اچھا میری بات سنیں, چلیے ابھی رکھتے ہیں, دو تین بار بول چکے ہیں دوسرے کو. جی 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 میری بات بھی, وہ اصل میرا ٹاپک نیا شروع ہو جاتا ہے نا, تو میں پھر وہی بات ہے میری, ایک وہ کہہ لے نیچر ہے یہ کہ میں نہیں چاہتا کوئی بندہ کو ٹاپک شروع, میں سمجھ سکتا ہوں آپ کی بات, وہ کوئی وہ ایسے ہی چلا جائے کہ جیسے وہ نہیں جو کوشچن کرتے ہیں. تو میری کوشش ہوتی ہے جو مجھے پتا ہے وہ کم از کم میں ڈلیور کر دوں, باقی جو ہے نا وہ پتہ نہیں طالبان کہاں سے آگے بیچ میں فتنہ فساد ڈال دیا انہوں نے آ کے, تو کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ. باقی میرے خیال سے ابھی ہم کلچر ریلیجن کو سائڈ پہ رکھ لیتے ہیں, ٹھیک ہے؟ ابھی ہم بات کرتے ہیں صرف جو جس طرح آپ, کیونکہ آپ سائنس کے اسٹوڈنٹ ہیں آپ کے لیے آسانی ہوگی کہ جو از کریٹر آف یونیورس ایکچولی دا اسلامک گاڈ, اسی بات پہ ٹھیک ہے.